तो दोस्तों WWE का मोस्ट इंटरटेनिंग पेपर व्यू क्राउन ज्वेल आने वाला है और क्राउन ज्वेल कब देगा पहले मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं और उसकी टाइमिंग भी बता देता हूं कि क्राउन ज्वेल इंडिया में कब और कहां देगा। तो सबसे पहले टाइमिंग सुन लीजिए, 2 नवंबर सैटरडे को रात के 9:30 बजे से क्राउन ज्वेल का किक ऑफ शो शुरू होगा और रात के 10:30 बजे से मेन शो, और इसे आप देख सकते हैं सोनी लिव ऐप पे या 10/1 और 10/3 पे। लेकिन अगर आप लोगों के पास इन सब में से कोई ऑप्शन भी नहीं है तो मैं हूं ना, मैं कहां जा रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि क्राउन ज्वेल की लाइव अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। ये तो हुई क्राउन ज्वेल की बात कि क्राउन ज्वेल कब और कैसे देने वाला है, लेकिन मेन बात तो ये है कि क्राउन ज्वेल में हमें देखने को क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए भी टेंशन लेने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। क्राउन ज्वेल 2024 में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं डीन एम्ब्रोस। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, रोमर रेंस की मदद करने के लिए फाइनली डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ रहे हैं WWE में। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न आ रहे हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि डीन एम्ब्रोस WWE में क्यों और कैसे रिटर्न आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप लोग रोमर रेंस की हालत अभी देख ही रहे हैं, WWE पूरी कहानी बना रहा है कि रोमर रेंस अकेले हैं, रोमर रेंस के साथ जिमी उसोज है, लेकिन रोमर रेंस को मदद की जरूरत अभी भी है। अब आप लोग बोलेंगे रोमर रेंस की मदद के लिए जे उसोज तो आ ही रहे और जिमी भी साथ में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं पहले बता देता हूं कि जे उसोज भी अब रोमर रेंस की मदद के लिए आने वाले हैं। आने वाले स्मैकडाउन में हमें पता चल जाएगा कि जे उसोज अब रोमर रेंस की मदद करेंगे और वो सोलो सिकोवा के अगेंस्ट फाइट करेंगे। डिटेल में जानकारी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को भी मिस कर दिया है तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। लेकिन सोलो सिकोवा की टीम अभी भी ज्यादा है, सोलो सिकोवा, टामाटुंगा, टांगालियो और जेका फाटू सब चंगू मंगू है, लेकिन नंबर्स गेम में वो ज्यादा है। और रोमर रेंस की टीम जे उसोज के आने के बाद भी रोमर रेंस, जे उसोज और जिमी उसोज, चलिए एक बात ये भी मान लिया जाए कि सैमी ज़ेन भी रोमर रेंस की टीम में आ जाएगा, जिसके काफी ज्यादा चांस है कि सैमी ज़ेन अब रिटर्न आने वाला है रोमर रेंस की टीम में, तो हो जाएगा 4-4 इक्वल। तो आप लोग बोलेंगे फिर डीन एम्ब्रोस आके करेगा क्या, 4-4 का मैच हो रहा है, रोमर रेंस की टीम जीत जाएगी, सोलो हार जाएगा, अपनी चंगू मंगू को लेके घर चला जाएगा, तो उसके बाद डीन एम्ब्रोस आके करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एक बहुत बड़ी पॉइंट को भूल रहे हैं और उस पॉइंट का नाम है द पीपल चैंप, द फाइनल बॉस, द रॉक। द रॉक ने ये इशारों में कह दिया था कि अब वो रोमर रेंस के साथ सिविल वॉर करेंगे और सोलो सिकोवा के असली ट्राइबल चीफ और कोई नहीं बल्कि द रॉक है, और ये बात आज नहीं तो कल तो खुली जाएगी। ये मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सोलो सिकोवा की टीम के अगर असली कोई लीडर है तो वो है द रॉक। अब अगर द रॉक आ जाता है तो रोमर रेंस के पास द रॉक को टक्कर देने के लिए कोई सुपरस्टार नहीं है, तो इसलिए WWE को एक ऐसे सुपरस्टार को बुलाना पड़ेगा जो कि अगर रोमर रेंस के साथ खड़ा होगा तो फिर कह सकते हैं कि हाँ रोमर रेंस की टीम स्ट्रांग है, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं है बल्कि है डीन एम्ब्रोस। तो डीन एम्ब्रोस अब WWE में रिटर्न आने वाले हैं रोमर रेंस की मदद करने के लिए, और क्राउन ज्वेल से अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा पेपर व्यू डीन एम्ब्रोस के लिए क्या होगा। WWE हमेशा चाहती है कि सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट रेसलमेनिया से भी ज्यादा अच्छा हो। अगर आप लोग सऊदी अरेबिया के प्रीवियस इवेंट देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सऊदी अरेबिया में ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि रेसलमेनिया तक में नहीं होते। रोमर रेंस और गोल्डबर्ग का मैच जो कि ड्रीम मैच था, ये हुआ सऊदी अरेबिया के एलिमिनेशन चेंबर में। अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था, वो हुआ सऊदी अरेबिया में। तो सोचिए आप लोग कि सऊदी अरेबिया को WWE कितनी भाव देता है, वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट्स हमेशा अच्छा रहे और वो रेसलमेनिया से भी बढ़कर रहे। तो सऊदी अरेबिया में अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आएंगे तो ये सोचिए कि ये इवेंट कितना बड़ा हिट बनेगा। तो सऊदी अरेबिया एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है जबकि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ सकते हैं रोमर रेंस की मदद करने के लिए। क्राउन ज्वेल में रोमर रेंस की टीम वर्सेस सोलो सिकोवा की टीम के बीच में मैच होगा और ये मैच मेन इवेंट में होगा, और इस मेन इवेंट में द रॉक रिटर्न आएंगे और द रॉक रिटर्न आके रोमर रेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद द रॉक से बदला लेने के लिए और रोमर रेंस को बचाने के लिए आएंगे वहां पर रोमर रेंस के दोस्त डीन एम्ब्रोस। ये एक परफेक्ट स्पॉट है डीन एम्ब्रोस के रिटर्न आने का। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि डीन एम्ब्रोस क्राउन ज्वेल में रिटर्न आए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।